सबसे धनी नगर पालिका यानी कि राधोगढ़ नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 23 के रहवासी इन दिनों मूलभूत सुविधाओं के अभाव में रहने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं कि इनकी हालत अभी खराब हुई है, बल्कि लंबे समय से इस क्षेत्र के रहवासी सड़क बिजली के लिए कई बार उच्च अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के नाम तक आज उन्हें कुछ नहीं मिल पाया है। हम बात कर रहे हैं रोटियाई के वार्ड क्रमांक 23 की, जहाँ पर ना तो सही से विद्युत व्यवस्था है और न ही सड़कें हैं। इसके साथ ही जो खरंजा निर्माण किया गया है वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इस बारे में कई बार विधायक जयवर्धन सिंह से मिलने के बाद भी इनकी कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई है। गर्मी के कारण बच्चे तड़प रहे हैं, बिल्कुल लाइट तो जीरो पॉइंट आती है, न पानी भरने की समस्या, सड़क की समस्या, समस्या पूरी समस्या हमारी है। बरसात में आप कहाँ से आते हो? जब भी नहीं चल पाते, ट्रेन क्रॉस करके निकलना पड़ता है बरसात में, बच्चों को इतनी दिक्कत आती है, क्या हादसा हो जाएगा कभी, कौन जिम्मेदार है इसका? आपका पार्षद कुछ नहीं करता? कुछ नहीं करता। और हमारे इस मोहल्ले में तकरीबन 30 से 40 मकान हैं और कम से कम 150 लोगों की बस्ती है, मगर हम अभी तक 2012 में हम यहाँ पर स्थापित हुए हैं, यहाँ पर हमने मकान बनाए, मगर 2012 के बाद में अभी तक हमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ना हमारे लिए यहाँ पर रोड है, ना हमारे लिए पानी की व्यवस्था है, और लाइट आती है मुश्किल से 90-100 वोल्ट की आती है, वोल्टेज की आती है, जिसमें कि कुछ भी घर के इलेक्ट्रॉनिक वो नहीं चल पाते हमारे, ना पंखे चलते हैं, ना लाइट जलती है, ना मोटरें चल पाती हैं। और बरसात के मौसम में इतनी बड़ी समस्या हमारे साथ में है कि हमारे विद्यालय में जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए कई बार हमें गोदी में लेके यहाँ पे लाना पड़ता है। रोड के लिए हम बाबा साहब से 2014 में भी निवेदन किया, इसके बाद में हमने 2015 में जब नगर पालिका चुनाव हुए 2015 में जब वो विधायक बने तब भी हमने उनसे निवेदन किया, वोट लेते टाइम पे आए और बोल के चले गए हमसे बिल्कुल आपकी रोड डल जाएगी, मगर कुछ नहीं हुआ। 2018 में जब नगर पालिका चुनाव हुए तब भी पवन भाई भी आए साथ में, पवन प्रकाश पंडा जी आए, सब बोल के चले गए हमसे, बाबा साहब खुद आए, वो बोल के चले गए बस चुनाव हो जाने दो, आपकी रोड डल जाएगी, आपकी लाइट की व्यवस्था सुधर जाएगी, कुछ नहीं हुआ। अभी हमारे बच्चों के लिए कई बार यहाँ रेलवे लाइन, यहाँ छोटे छोटे रहने वाले बच्चे हैं, उन्हें रेलवे लाइन क्रॉस करके जाना पड़ता है, ये पटरी डली हुई है, अब ये पटरी पे से कभी भी ट्रेन जो खड़ी रहती है ना वो ट्रेन बिना हॉर्न दिए चल देती है, कई बार बच्चे नीचे से मरते मरते बचे हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? तो हमारा यही निवेदन है कि बस हमें हम जब वार्ड नंबर 23 में पूरे मध्य प्रदेश की सबसे धनी नगर पालिका में निवास कर रहे हैं और उसके वार्ड नंबर 23 में निवास कर रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि हमें मूलभूत सुविधाएँ दी जाएँ, हमें कम से कम सड़क पानी और बिजली तो दी ही जाए, बस मेरा यही निवेदन है। और अगर ये पूरा नहीं होता है तो हम इस बार जो है ना बिल्कुल भी वोट नहीं डालेंगे, हम वोट का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, सारे के सारे मोहल्ले वाले यही कहना चाहते हैं। रोटियाई से ग्राउंड रिपोर्टर सौरभ जैन की रिपोर्ट।